Next question, question says a river 400 meter wide is flowing. एट अ रेट ऑफ टू मीटर पर सेकेंड अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू द वॉटर इन डायरेक्शन पर पेंडिकुलर टू द रिवर हमें बताना है दो सवाल हैं uh, पहला पार्ट है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक दूसरा है हाउ फार फ्राम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच टू द रीच द अपोजिट बैंक तो ड्रिफ्ट बतानी है ठीक है uh, बहुत ही सिंपल सवाल है सिनेरियो uh, ये है इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले भी लग जाएंगे अपने सिनेरियो ये है कि ये आपकी रिवर है विच इज़ फोर मीटर वाइड और एक बोट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है रिवर इज़ फ्लोइंग इस डायरेक्शन में एट टू मीटर पर सेकेंड ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है और एक बोट uh, है जो डायरेक्टली यहाँ से 90 डिग्री के इस एंगल पे uh, इस डायरेक्शन में जा रही है नॉट ड्यू टू यहाँ पे ड्यू टू ड्रिफ्ट वो इस जगह पे कहीं यहाँ पे ऐसे पहुँचेगी आपका थीटा एंगल होएगा तो आपकी बोट इस जगह पे कहीं यहाँ पहुँचेगी हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या होएगा और ये जो ड्रिफ्ट है ये क्या होएगा ना बहुत ही सिंपल सिचुएशन वाला सवाल है सो यहाँ पे जो हम टाइम लिख सकते हैं आ, टाइम इसको हम कहते हैं दिस विल बी इक्वल टू डी विच इज़ आपकी जो रिवर बोट की आ, वेट है वो डिवाइडेड बाई वी एम आर साइन थीटा हालांकि इस केस में क्योंकि थीटा अपना 90 डिग्री है तो आपका साइन थीटा वन हो जाएगा सो दिस विल बी डी यानी कि 400 हंड्रेड मीटर्स डिवाइडेड बाई वी एम आर जो है वो आपने को टेन दिया हुआ है सो दिस विल बी इक्वल टू फोर्टी सेकेंड्स ठीक है ये आपका हाँ फोर्टी सेकेंड्स ये आपका टाइम आ गया ना दूसरा हमें बताना है कि ड्रिफ्ट क्या होगा सो so उस केस में जो आपका ड्रिफ्ट है उसमें उस... अगर हम ड्रिफ्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू वी आर प्लस वी एम आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय वी एम आर साइन थीटा ना यहाँ पे थीटा अपना 90 डिग्री है तो उसकी वजह से आपका ये साइन थीटा तो वन हो जाएगा और कॉस थीटा आपका जीरो हो जाएगा uh, अच्छा मल्टीप्लाइड बाय डी राइट सो दिस विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा आपका वी आर वी आर है अपना टेन प्लस ज़ीरो डिवाइडेड बाय वी एम आर जो है नहीं सॉरी वी आर आपका टू है सो दिस विल बी इक्वल टू टू प्लस जीरो डिवाइडेड बाई वी एम आर आपका टेन है मल्टीप्लाइड बाय डी विच इज़ फोर हंड्रेड सो दिस विल भी एकल टू एट हंड्रेड बाई टेन सो आपका जो ड्रिफ्ट है एक्स दैट विल भी एकल टू एट्टी मीटर्स हालांकि सो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिम्पल सवाल है अगर यहाँ पर आपको थ्योरी में थोड़े से डाउट हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये कहाँ से आया सो so, इसके लिए आप थ्योरी लेक्चर रेफर कर सकते हैं बट ये सवाल मुश्किल नहीं है